बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशाबीद कहते हैं आप अपने आज के ब्लॉग में। गाड़ी का टायर जो है वो काफी दिन से बैठा हुआ था, खोल के लेके जाना पड़ेगा। पहले पंप पड़ा हुआ था गाड़ी में, वो लास्ट टाइम निकला है गाड़ी से तो फिर गायब ही है। अब मैंने डबल हो गई है, फ्रंट वाले टायर जो है पुराने थे इसमें से अब आप निकल गए, तो इसे अब खोल के लेके जाना पड़ेगा। टायर हमने खोल लिया और टायर पक्के इस तरह का पिचक गया हुआ है यहाँ से। अब चलते हैं लेके शॉप पे, अल्लाह करे कि टायर में हवा जो है वो रुक जाए। टायर मैंने खोला, भाई बारिक ने कपड़े गंदे कर लिए, साफ लगाए, धक्के तो मैं ही लगा रहा हूँ। तो अब टायर को लेके चलते हैं पंचर वाली दुकान पे इंशाल्लाह। टायर हमने उठा लिया, भाई बारिक की हेल्प चाहिए होगी, अब भाई बारिक के साथ ही चलते हैं। हवा भर दे यार, अल्हम्दुलिल्लाह हवा रुक गई है। हमारे इलाके के भाई जहाज काम मुकम्मल हो गया, अब लेके चलते हैं इसे घर और गाड़ी में फिट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टायर लेके हम घर पहुंच गए और अब गाड़ी की चौथी टांग जो है वो फिट कर देते हैं। उस वक्त से तीन टांगों पे खड़ा था कैरी बॉक्स हमारा, बेचारा थक गया होगा। आप क्या कह रहे, चलो टायर लगाओ, खुद ही हमें करना पड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बारिक की हेल्प से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी होगी ठीक। और अब सब क्या प्रोग्राम है आपको, जाना घूमने फिरने भाई? सर आपकी नवाजिश है कि कहीं घुमा फिरा रहे हैं तो चले आए, आज आपको चेकअप करवाते हैं। चेकअप से पहले तो स्कैन कराना पड़ेगा, सिटी स्कैन ही सर, वही मेरे कागजों में वही आपका चेकअप है। सिटी स्कैन इजी वे पकड़ा, उससे कम अज कम कंपैरेटिवली बंदे को खुद अंदाजा हो जाता है कि कितने परसेंट ग्रोथ हुई है लास्ट टाइम की नस्बत। आप अच्छा पहले दो का आपस में बताओ कितने परसेंटेज का रेशियो आपको लग रहा है आपस में। पहले में 10% थी ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब इस टाइम 30% से अबव हो गई हुई। इस टाइम नहीं तब, हां सिटी स्कैन तब शुभ शुभ बोलो, सिटी स्कैन तक की मैं बात कर रहा था। सही सही सही, चलिए इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा आप लोग भी, अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामला करे मेरे साथ। तो जहाँ गाड़ी का टायर इतने दिन बाद ठीक हुआ, वहाँ इसका ऑयल पानी जो है वो भी काफी दिन से चेक नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुई, तो इसका ऑयल पानी वगैरह चेक करके इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, साइड ही गलत खोल ली है, ऑयल पानी दूसरी साइड से चेक होना था। सबसे पहले पानी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी पूरा, पानी वगैरह भी चेक कर ले। शुक्रिया असद भाई आपने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं था। वेलकम। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से बाहर निकाल ली है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद स्टार्ट हो गई थी। आप रेडी हैं जाने के लिए? पैसे, वाह पैसे भी ले लिए, वाह। भाई बारिक को नहीं लेके जाना? भाई मान ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं चल। क्या मूड है आपका? नहीं मैं नहीं मान रहा। अच्छा अभी फिर टुर गया फिर, है ठीक है, अच्छा ओके भाई सलमान लाफिस। तो जा रहे हैं तो फिर अल्लाफिज करके जाना चाहिए ना, हमारा क्या पता गाड़ी का स्टेयरिंग किस तरफ को घूम जाए। मैं भी फिर अल्लाफिज कर रहा हूं, अल्लाफिज कर। तो हमने फिर से असद की ड्राइविंग की ड्यूटी शुरू कर दी है, बमबारी के कैमरामैन वाली खत्म अभी फिलहाल। वैसे सर जितनी को आपकी स्पीड है आप तो गाड़ी से तेज जाते हैं, स्पीड है तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ दो ही दिन लगे हैं असद साहब को गाड़ी में पहुंचते और बैठने में। हाँ एक आज वाला और एक कल वाला, बच्चे सारे अलविदा करने के लिए हमें आ गए। फिर से अल्हाफिज भाई, अल्हाफिज कह रहे जाओ जान छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सफर का हमारे आगाज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है सफर का, बहुत कुछ गपियां चल रही हैं, बहुत मजे मजे की बातें चल रही हैं, बहुत डिस्कशन चल रही हैं। एनीवे चलते हैं किसी हॉस्पिटल में असद को चेकअप करवाते हैं। नहीं चेकअप के पीसीटी स्कैन, पीसीटी स्कैन करेक्शन, देखते हैं इसके लिए हमें कितना लंबा सफर करना पड़ता है। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को इंशाल्लाह आप भी जरूर एंजॉय करेंगे और हम तो अपने सफर को कर ही रहे हैं। सफर वैसे ही हमारी फेवरेट गजा है, मेरी ही नहीं सिर्फ इन साहब की भी, बाइक पे सफर की बहुत फेवरेट गजा है। सफर सफर होता है वो बाइक पे हो या गाड़ी पे हो, बाइक बाइक है गाड़ी गाड़ी है, ये बिल्कुल दो टायरों का फर्क है, आप भी जानते ही होंगे। तो इंजॉय कीजिए थोड़ा सा हमारा रास्ता। तो यहाँ से दिलवा लेते हैं पेट्रोल, 273 रुपये हो गया, काफी दिन बाद दिलवा रहे हैं नया रेट 273 का। प्लान था बाहर निकलने का और निकलते निकलते हम पहुंच गए हैं सियालकोट शहर, अभी तक चेकअप नहीं हुआ सर का। हाँ गाँव में सिटी स्कैन वाली कोई मशीन नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। प्लानिंग चल रही है कि कहाँ से करवाया जाए, सियालकोट से या दस्का से या उससे आगे बिजना वाला या लाहौर, जहाँ भी होगा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। फिलहाल हमारा ट्रैवल हो गया, 10 लीटर पेट्रोल 2700 रुपया,
सियालकोट से गुजरते हुए ये हमारे रास्ते का पहला फाटक। इस फाटक से कभी गुजरते हुए ट्रेन आपने देखी है? नहीं, इधर से नहीं देखी, पसरूर वाले से देखी। इस फाटक की बात हो रही है, पसरूर की क्या बात हो रही है? ये तो वही बात हो गई ना, जोड़ ले कोई भी इस तरह की। रोड काफी खराब हो गया है और ये खूबसूरत सा रास्ता फिर से एक प्राइवेट रोड। प्राइवेट रोड तो सरकारी रोड। हाँ, ये प्राइवेट रोड है। यहाँ शॉप पे रुके हैं, हवा शवा चेक करवा लेते हैं गाड़ी की। पैंती चाली पूरी करती ना कभी। शुक्रिया। चलते चलते डिस्कशन में मसरूफ हम सियालकोट को जो है वो अब अल्लाह हाफिज़ करने वाले हैं। सियालकोट भी यानी कि गुजर गया, आगे आने वाला है डिस्का। खैर, सियालकोट का अल्लाह हाफिज़ आप देख लें। अब ऑप्शन ये आ रहा है कि भाई शौकत को मिलते हैं, क्योंकि भाई शौकत के एक हॉस्पिटल वाले जो थोड़ा वाकफ है, जानने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं से स्कैन करवाया जाए, क्योंकि एक दो दफ़ा पहले भी उनसे स्कैन करवाया, दो ही में तो दोनों स्कैन वहाँ से हुए हैं, तो अच्छा रिजल्ट है उनका। हमें देखने और समझने के लिए जो है वो काफ़ी डिटेल मिल जाती है, हमारे जैसे कि हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएँ और अपनी बात को समझाने के लिए लंबी चौड़ी उनसे डिस्कशन करने के बजाय जो हमारी बात को ऑलरेडी समझे हुए हैं उन्हीं के पास चलते हैं। डिस्का के एजुकेशन जॉब में पहुंच गया और छुट्टी का टाइम हो गया, रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे देखने को मिल रहा, तो अब हमें और ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ेगा। वैसे तो हम पहले भी बहुत स्लो जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और ये देखिए रिक्शे वाले के काम। बैठ मत। हाँ जी बस, शौक नहीं जाना, ये यू टर्न नहीं बंद कर दिया, अब क्या करें हम। वो है था और हमें यहाँ से यू टर्न लेके फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा। मेरी टांग पे मारा गियर इतनी जोर की, गियर लीवर, गियर नहीं मारा, गियर लीवर, मैंने वो करेक्शन कर ली थी गियर लीवर। हमें लग रहा था रास्ता नहीं है और पूरे ट्रक गुजर रहे हैं उधर से, एंड पे जाके छोड़ा, बस आइडिया नहीं। मुझे लग रहा है लोकल तो नहीं बनाया। हाँ, लोकल बनाया, बड़ा लंबा सफर करके आना पड़ता है, वो आगे बाईपास से आना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रास्ता मिल गया और हम डायरेक्ट भाई शौकत की तरफ जा रहे हैं और चलते हैं भाई शौकत के पास, बाकी की गपशप उनके साथ बैठ के। अब क्या कहना चाहेंगे? भाई शौकत के गोदाम पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन भाई शौकत जो है वो यहाँ से गायब है, तो अब उनको कॉल करके बुलाते हैं, देखते हैं वो यहाँ पे नजदीक हैं भी हैं कि। भाई ने कहा था कांटेक्ट कर लेना, तुम याद ही नहीं रहा। मैं तो ड्राइव कर रहा था, इसने कांटेक्ट करना था, मेरी सिम में बैलेंस नहीं था। भाई शौकत को कॉल करने पे उन्होंने टाइम हमें बताया कि वो 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो हमारे पास टाइम हो गया 50 मिनट, अब देखते हैं उनके 15 मिनट कब जाके पूरे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई शौकत पहुंच गए 15 मिनट का टाइम देके 10 मिनट में, माशाल्लाह। इस तरह के लोग भी होते हैं, टाइम की कदर करते हैं ना, इसीलिए सक्सेसफुल होता है इंसान, टाइम की कदर करे। जाहिर सी बात है, जो टाइम दिया अगले को, सामने वाले को उसके मुताबिक पहुंचना चाहिए। सीखें बिल्कुल, आप भी सीखें जो कैमरे के पीछे। भाई शौकत के साथ काफी टाइम स्पेंड किया, काफी गपशप होगी, अब निकलते हैं इंशाल्लाह घर को, क्योंकि स्कैन करवाना है असद साहब का। भाई शौकत तो साथ चल नहीं रहे, हमें खुद ही से जो है वो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और भाई शौकत ने वहाँ पे सेटिंग वेटिंग करनी थी, जो कॉल वगैरह करनी थी वो कर दी। निकलते हैं इंशाल्लाह हॉस्पिटल और असद साहब को सिटी स्कैन करवाते हैं, असद साहब का गुड शॉट। हॉस्पिटल हम पहुंच चुके हैं, अच्छा साहब को झूला मिल रहा है चेयर पे, और करवाते हैं इंशाल्लाह स्कैन, अल्लाह करेंगे जो बेहतरी है वो बहुत ज़्यादा हो। तो अच्छा साहब लेट गए हैं। हाँ, कपड़े डालो, कह रहे हैं उतार लें, ये चेयर बाहर ले जाना इसको। अच्छा, मशीन के अंदर जा चुके हैं साहब, और अब बाकी की प्रोसेसिंग जो है वो डॉक्टर साहब भी बेहतर समझते हैं, हमें बस रिपोर्ट से कर रहे हैं इंशाल्लाह। पहले वाली साइड जो थी उस तरह असद का स्कैन ठीक नहीं हुआ, तो अब असद साहब की साइड जब वो चेंज करने के बाद दोबारा से स्कैन शुरू। तो पेशेंट साहब जो है माशाल्लाह फ्री हो गए। हाँ जी, अभी मिल जाती है, थोड़ी देर वेट करें। ये ले भाई अपनी रिपोर्ट्स, अय्याशी करें। कैसा लगा? बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी पहले से अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी अपनी पार्किंग पे लाके खड़ी कर दी है,
यानी घर हम पहुंच गए। घर पहुंचते ऐसे साहब सबसे पहले पहुंच गए जी अपने पेट वाले केज में, जिसमें अब सिर्फ के पास पेट्स में जी हमारे पास रैबिट्स रैबिट्स बेबीज एक नहीं है बहुत ज्यादा है। अच्छा कितने ज्यादा है? ये है कोई छह। वाओ माशाल्लाह आसमान पे बादलों में अल्लाह करे कि बारिश हो जाए तो गांव में जो फसलों को पानी लगाने की झंझट थी उससे जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह असद का सिटी स्कैन हो गया और सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स जो है वो तो सुबह आएंगी, लेकिन जाहिर तौर पर जो उसकी फिल्म थी उससे देख के ये अंदाजा हो रहा है कि 65% ऑलमोस्ट जो है उसकी ग्रोथ हो चुकी है। थोड़ा ही बाकी है, दुआ कीजिए जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और हम यहाँ पे अपना ब्लॉग करते हैं एंड आपसे चाहते हैं इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।